हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अभी आज संडे है, तो एक्चुअली क्या था कि हबी गए हुए थे दुबई, जैसे कि आप सबको पता ही है। लास्ट वीडियो में मैंने डाला था, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि स्मायरा के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अब उसके एग्ज़ाम्स, 3 एग्ज़ाम्स रह गए हैं, तो मैं थोड़ा उसमें बिजी थी, स्टक थी। मैक्यू, और आज हम सब लेट उठे हैं। आज मैंने मेड को भी नहीं बुलाया था बिकॉज़ कल ये भी फुल डे ट्रैवलिंग में थे यार। कल मॉर्निंग से वहाँ से निकले हुए थे, फिर ड्राइवर पिक करने गया इनको चंडीगढ़, और फिर देन रात को ये पहुँच गए थे 10 o'clock से पहले पहले। और अभी भी सुबह के 10 o'clock हो रहे हैं। आज मैं भी आराम से उठी हूँ लेट, बिकॉज़ मेड को मैंने बुलाया तो था नहीं, तो मुझे था कि आराम से रेस्ट करेंगे, आराम से मॉर्निंग में सोएंगे, क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग थी और मेरा भी इतने दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी। रात को खुल जाती थी नींद ना, तो और अब क्या था कि मॉर्निंग में अभी मैं चाय बना रही हूँ, मतलब जैसे, और कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ पहले। लाइक मैंने सोचा है कि आज ओट्स एंड मूंग दाल का चिल्ला बना लेती हूँ, तो मैंने मूंग दाल को पानी में भिगो के रख दिया था ये मॉर्निंग में। ये मैंने कल रात को भिगो के रख दी थी, और ओट्स, और इसमें थोड़ी सी चिल्ली डाल दूंगी और सॉल्ट वगैरह डाल के, और कोरिएंडर, देखती हूँ अगर होएगा तो अनियंस वगैरह डाल के मैं एक अच्छा सा चिल्ला बना लेती हूँ, ठीक है। और साथ में चाय, और चिल्ला के साथ मेरे को कर्ड बहुत पसंद है, तो अभी हम डाल दिए है और अब मैं इसमें डालूंगी। डाल दिए हैं, पहले मैंने मूंग दाल डाली, ओट्स डाल दिए, मैं इसमें वाटर मिक्स कर रही हूँ ताकि चिल्ला के लिए अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए। यहाँ पे बॉयल हो रही है, तो चिल्ला के लिए बैटर बैटर तो यहाँ पे जैसे कि रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे अनियन, ग्रीन चिल्ली, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर कट कर लिए हैं। आप अपनी चॉइस से कोई भी वेजिटेबल अपनी डाल सकते हो। तो इस तरह से कुछ ये बैटर है, थिकनेस इसकी इतनी रहनी चाहिए ताकि चिल्ला इजीली बन जाए। और अब मैं इनको ना वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेती हूँ इसमें। वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था इसमें जब मैंने दाल और ओट्स को ग्राइंड किया था मिक्सी में, तो वेजिटेबल्स भी हो चुकी हैं मिक्स। चलिए बनाते हैं अब चिल्ला। कोरिएंडर नहीं मिला यार हमेशा की तरह। मैं ना कल बहुत ज़्यादा था और मैंने उसको किसी वेजिटेबल में यूज़ कर लिया था, सैलड्स में और वेजिटेबल्स में मैं कोरिएंडर यूज़ कर लेती हूँ। इसमें भी बहुत टेस्टी लगता है, बट अब है नहीं तो चलो कोई बात नहीं। और मूंग दाल का चिल्ला तो रेडी है विद कर्ड खाने के लिए। चाय, और ये मेरा एक और मैंने रख दी है बनाने के लिए। और यार गाइस, मैं ये देसी घी में बनाती हूँ,
तो मैं आपको बता दूं कि देसी घी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में चाहे आप 1 स्पून खा लो, लेकिन खाओ ज़रूर। चाहे आप जिम करते हो, जो मर्जी करते हो, देसी घी कभी भी मत छोड़ना। बिकॉज़ मैं तो खैर बचपन से ही खाती आ रही हूँ, देसी घी मेरा बहुत फेवरेट है और बिना देसी घी के मैं खाना नहीं खा सकती। तो जो ये मैंने चिल्ले बनाए हैं ना, अभी मैंने किसी ऑलिव ऑयल वगैरह में नहीं बनाया है, देसी घी में बनाया है। तो देसी घी में बहुत अच्छा फैट होता है, और लेकिन हाँ, लिमिट में खाना होता है, लाइक 1 स्पून खा लिया डे का। और अगर मैं जैसे दाल चावल खाती हूँ तो भी मैं देसी घी ज़रूर खाती हूँ, कढ़ी चावल खाती हूँ देसी घी ज़रूर खाती हूँ। लेकिन मुझे, मैं यही कहती हूँ कि देसी घी एक बहुत अच्छा मतलब फैट है जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो हार्मफुल नहीं है। तो आप अच्छा देसी घी यूज़ कीजिए और अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे बैटर अभी और है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इसके चिले अभी बनाती रहूँगी। सॉल्ट मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था, आपको बताया था। कभी कभी अगर आपको लगे कि ओट्स के साथ भी इसकी कंसिस्टेंसी नहीं ठीक आई है, तो आप, मेरे को लग रहा था कि जो मैंने पहले वाला डाला था ना चिल्ला, तो वो ऐसे लग रहा था टूटेगा, लेकिन वो टूटा तो नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने इसमें बैटर में ना थोड़ा सा ओट्स का ही आटा मिक्स कर दिया था। मैं आपको बताती हूँ, ये है ओट्स आटा, तो ये भी मैंने इसमें थोड़ा सा 1 स्पून ऐड कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि वो चिल्ला अच्छे से, मतलब टूटा नहीं चिल्ला मेरा, और अच्छे से बनना शुरू हो गया। ये देखिए, बात बताऊँ, अगर आप देसी घी भी खा रहे हो, बाहर का जंक भी खा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वेट तो गेन होएगा ही होएगा। इसीलिए फूड मत स्किप करो, सब कुछ खाओ। मैं सब कुछ खाती हूँ गाइज, और मैं कोई भी अपना फूड स्किप नहीं करती, और ना ही मैं कोई डाइटिंग करती हूँ, कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट मेंटेन रहता है, टच वुड, बिकॉज ऑफ कि मैं प्रेफर करती हूँ होममेड फूड ज़्यादा। हाँ, कभी कभी जब ओकेजनली बाहर जाना पड़ता है तो वहाँ पे खाना ही पड़ता है यार, क्योंकि अब हम वहाँ पे घर का खाना तो बना के लेके जा नहीं सकते, है ना। लेकिन वो भी मैं लिमिट में खाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि कुछ हेल्दी ही खाऊँ। सो बस यही कहना था, बाकी सब आप तो, आपको तो पता ही है, समझदार हो आप सब। बट मेरे को पर्सनली ये चिल्ले बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी तो है ही है। मैं आ गई थी और हम लोग आए हैं यहाँ पे मूवी देखने के लिए, ऐसे ही बाई चांस प्लान बन गया, क्योंकि ये टायर तो थे अभी मेरे। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो चलते हैं यार, थोड़ा सा मूवी वगैरह देखा था, क्योंकि मैं अभी स्मायरा के एग्जाम, उसकी वजह से घर पे स्टक थी इतने दिनों से। हमने डब्बू के लिए लिया था ना, हमने डब्बू के लिए ऐसा वाला लिया था, जैसे कैटरिंग सैमू के लिए, हाँ सैमू के लिए लिया था, फिर सैमू यूज नहीं करता था। यार मैं तो, अगर इसको मैक्सो रखेगा ना तो मैक्सो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल मैक्सो है, हुई हुई शो क्यूट यार, शो क्यूट। ये डब्बू है, थका हुआ, थका हुआ डब्बू, नहीं कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। कितने क्यूट लग रहे हैं सारे के सारे यार। वैसे हम मैक्सो के लिए खेले हुए थे, मैक्सो उसके साथ खेलता रहेगा। ओह यू आर सो क्यूट बेबी, यू आर सो क्यूट, यू आर सो क्यूट। अब तो मिलना शुरू हो गया भी, तो यहाँ पे
बनता गया, दुनिया बदलती गई और बदलाव के साथ हम। तो गाइस मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन यार 3 आवर्स की मूवी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अच्छी लगी मूवी तो, और अभी बस इस तरफ आए हैं मार्केट वाली साइड, क्योंकि रात हो चुकी है, दिन के निकले हुए थे। और लेकिन अभी हबी को ना अपने हेयर कट लेना है, सो हम सोच रहे हैं कि हेयर कट ले लेते। सो गाइज़ मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, क्योंकि रात को हम लेट ही पहुँचे थे एक तरह से घर पे। और ये नेक्स्ट डे मेरी किट्टी थी, मेरी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर थी। और फिर हम लोग बस हमने अपना, मैं गई वहाँ पे एंड वहाँ पे मैंने अपना फ्रेंड्स के साथ मिली, उनके साथ बातें की और थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई, और फिर थोड़ा सा वहाँ का यम्मी फूड इन्जॉय किया। देन बस इसी तरह से कल का दिन बीता और ये वाला दिन बीता। सो यही था मेरा पिछले कल वाला वीडियो, और मैंने ये वीडियो भी मिक्स कर दिया बिकॉज़ मैं इसमें व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। सो मैंने आपको थोड़े से कुछ फूड क्लिप्स दिखा दिए हैं जो हमने यम्मी यम्मी फूड वहाँ पे खाया है। सो चलिए यही था मेरा वीडियो, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, अच्छे से वीडियो में। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर देना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मैं तो रख ही रही हूँ, और फेस्टिवल्स को इन्जॉय कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।